फ्रेंड्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट का कुछ एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये ऐसा एमसीक्यूज़ है जिसके आधार पर बाकी और बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाए। ये चैप्टर वन से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का है, एरर क्या है, इस तरह की जो बेसिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, इन बेसिक चीज़ों पर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से और अच्छे से समझ कर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। तो कुछ पहले बेसिक चीज़ है उसको हम बता दे रहे हैं जिसके आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बन जाएगा। तो वो बेसिक चीज़ क्या है, तो सबसे पहले अगर हम मेज़रमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ये दो भाग के अंदर इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मेज़रमेंट होता है वो कॉन्स्टेंट डिफ्लेक्शन के टर्म में होता है, कॉन्स्टेंट डिफ्लेक्शन के टर्म में होता है, जबकि इसमें डायरेक्टली सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन शो किया जाता है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन के अंदर शो हो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका क्या है, जैसे टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। तो ये टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या है, लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है और उसके अंदर कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन दोनों होता है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, एब्सोल्यूट। और दूसरा आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन भी होता है और इसके अलावा आपका इंटीग्रेटिंग यानी इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, दूसरे को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और तीसरे को इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आपका जो इंडिकेटिंग है, जैसे आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करता है एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, उस समय के वैल्यू को इंडिकेट करता है, इस तरह के हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो आपका करंट है, वोल्टेज है, पावर है, उसको अगर मेज़र करता है या रिकॉर्ड करके रखता है तो उसको हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे आपका जनरली सब स्टेशन वगैरह के अंदर जो पावर का डिमांड होता है इसको हम लोग नोट करते हैं कर्व के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और तीसरा जो इक्विपमेंट होता है वो कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग का मतलब समय के साथ जो भी आपका कंजम्पशन हो रहा है उसको समय के साथ जोड़ता रहता है, ऐड करता रहता है, तो इस तरह के इक्विपमेंट को हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। एग्जांपल अगर इसका बात किया जाए इंटीग्रेटिंग का, तो घर के अंदर जो एनर्जी मीटर यूज़ हो रहा है ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपका पहला दिन, दूसरा, तीसरा, यानी पूरे महीने के अंदर कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है या पूरे साल के अंदर कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड करता रहता है और पहले वाले को दूसरे के साथ ऐड करता रहता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज़ जो आपको समझना है वो टॉर्क के बारे में समझना है। तो तीन तरह का टॉर्क होता है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को यानी पॉइंटर को मूव कराने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है वो अलग अलग मेथड से प्राप्त होता है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, थर्मल इफेक्ट की वजह से, अलग अलग इफेक्ट की वजह से हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है। दूसरा, पॉइंटर को हम लोग वापस जीरो पोजीशन पर लाने के लिए कंट्रोल का टॉर्क का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और कंट्रोलिंग टॉर्क को प्राप्त करने के लिए हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल यानी स्प्रिंग की सहायता लेते हैं या ग्रेविटी कंट्रोल यानी किसी वेट या बैलेंस का उपयोग करते हैं। तो दूसरा जो टॉर्क होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, जनरली स्प्रिंग के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो टॉर्क होता है उसको डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। ये डैम्पिंग का काम क्या है, तो आपका कंट्रोलिंग जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा, मूव कराएगा इस साइड। तो दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो कि पॉइंटर को जीरो पर लाना चाहेगा,
तो ये पॉइंटर क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो इसको एक जगह पर स्थिर करने के लिए हम लोग को एक और टॉर्क की ज़रूरत होती है, उसी टॉर्क को हम लोग डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। तो पॉइंटर को एक जगह पर स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए जिस टॉर्क की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीलेशन को ख़त्म करने के लिए जिस टॉर्क की ज़रूरत होती है, उसी को डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। और डैम्पिंग टॉर्क को प्राप्त करने के लिए तीन मेथड होता है, यानी हम लोग इड्डी करंट के द्वारा डैम्पिंग प्राप्त करते हैं, एयर फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग हम लोग प्राप्त करते हैं, और एक होता है ऑयल फ्रिक्शन, ऑयल के द्वारा डैम्पिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कि आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर गिव द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन। आपको पहले बताया कि कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन दोनों के टर्म में जब मेजरमेंट होता है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जनरली लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, प्रैक्टिकली इसका यूज़ नहीं होता है। प्रैक्टिकली कौन सा यूज़ करते हैं, तो जो भी आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सारा क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा इंट्रीगेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर ए है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, टेंजेंशियल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, रे लाइट करंट बैलेंस और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कह रहा है इसमें नॉट एब्सोल्यूट, तो कौन सा, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, जो कि डिफ्लेक्टिंग और इसके अलावा ये आपका रिकॉर्डिंग और इंट्रीगेटिंग सेकेंडरी के अंदर आता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका डी, यानी कि डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनर्जी मीटर इज क्लासिफाइड एज, एनर्जी मीटर किस में क्लासिफाइड है। तो आपको एग्जांपल के अंदर अभी हमने बताया था कि एनर्जी मीटर क्या होता है, कि ये इंट्रीगेट यानी जोड़ता रहता है एनर्जी को। तो ये इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि समय के साथ एनर्जी को जोड़कर, पूरे महीना जोड़कर बता देता है कि पूरे महीने के अंदर इतना एनर्जी का उपयोग हुआ, खपत हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट इंस्टेंट ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी क्षण पर जब मेजरमेंट कर रहे हैं उसी समय आपको बता रहा है, बाकी इससे पहले, यानी कि करंट मेजर किया तो अभी कितना करंट है, 5 एम्पीयर, तो ये अभी का बताएगा, एक दिन पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था ये नहीं बताएगा। तो ये जब किसी इंस्टेंट पर मेजरमेंट होता है और उसी समय का वो वैल्यू बताता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपको बताया, जो कि समय के साथ इंट्रीगेट करता रहता है, जोड़ता रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को। तो जनरली एनर्जी को हम लोग इंट्रीगेट जोड़ कर देखते हैं, तो इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है, तो वाट आवर मीटर, एनर्जी मीटर का दूसरा नाम क्या है, वाट आवर मीटर। मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट को इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट वाट आवर मीटर बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग एनर्जी मीटर बोल सकते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, kWh होता है, किलो वाट आवर, या किलो ये बड़ा टर्म है, किलो वाट आवर की जगह हम सिर्फ वाट आवर भी लिख सकते हैं। तो वाट आवर मीटर क्या है, एनर्जी मीटर है, जो कि इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पूरे समय के साथ कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ वो इसको जोड़कर बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः के अंदर पूछा जा रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मेक्स यूज टू, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमारी डिजिटल वैल्यू शो करेगा, बाइनरी फॉर्म में 01 फॉर्म में हमारा काम होता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ
किसको यूज़ करेगा, एनालॉग सिग्नल को, डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल को, पॉइंटर एंड स्केल और लॉगरिथम स्केल, तो ये सारा स्केल स्केल नहीं। इसमें क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट वैल्यू दीजिएगा, जितना आपका डिजिटल मल्टीमीटर है या भी जितना इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है डिजिटल होता है, तो डिजिटल का मतलब क्या, उसके अंदर जो भी काम हो रहा है डिजिटली हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, डिजिटल सिग्नल उसके अंदर प्रोवाइड होता है, यूज़ किया जाता है। बाकी नॉर्मल जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर पॉइंटर होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी जो भी हम बात कर रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग, ये सारा किसके लिए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसमें पॉइंटर लगा हुआ है जो कि आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपनी जगह से हट रहा है, घूम रहा है, तो इस तरह की चीज़। और डिजिटल का मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपका डिजिटल फॉर्म के अंदर नंबर के फॉर्म में 1, 2, 3 इस तरह न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए पार्टिकुलर टाइम आर। देखिए फिर से एनर्जी मीटर से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए पार्टिकुलर टाइम, निश्चित समय अंतराल के अंदर टोटल एनर्जी को जो मेजर करता है, मेजर टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी को मेजर करेगा, उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी करेक्ट आंसर ए होगा। चूंकि समय के साथ टोटल इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ रहा है, टोटल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, जो कि रिकॉर्ड कर रहा है इसके अंदर। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग में। रिकॉर्डिंग का मतलब ये समय के साथ, ये समय के अंदर, ये एक महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर कितना हुआ है ये इसको बताएगा, लेकिन जोड़ेगा नहीं, यानी कि पहला दिन कितना हुआ, दूसरा दिन कितना हुआ, तीसरा दिन कितना हुआ, सबको जोड़ के नहीं बताएगा। ये आपको ग्राफ जनरली इसके द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा होता है कि पहला घंटा में मान के चलिए 2 वाट था, फिर तीसरा में घट गया, चौथा में, तो ये पार्टिकुलर टाइम का बताएगा। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम में आपका मान के चलिए 5 मेगावाट था, फिर 10 मेगावाट जो आपने देखा था जनरेशन के अंदर। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि पार्टिकुलर टाइम में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा उसको बताता, उसको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये टोटल ऐड करके नहीं बता देगा कि आपको इतना, मतलब कि एक महीना में इतना कंजम्पशन पावर का हुआ, ये नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा, एनर्जी मीटर बताएगा कि टोटल पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर टोटल ओवरऑल एनर्जी कितना कंजम्पशन हुआ। तो यहाँ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, ये रिकॉर्ड सिस्टम इसके अंदर होगा, हैज़ ए रिकॉर्डिंग सिस्टम, सही बात है, और रिकॉर्ड वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी, जो भी वेरिएशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है ये। तो इसके अंदर दोनों बात होता है, रिकॉर्ड वेरिएशन को रिकॉर्ड करता है और इसके अंदर रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि रिकॉर्ड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी, रिकॉर्ड ओनली एनालॉग सिग्नल। ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग सिस्टम डिजिटल फॉर्म में भी आता है, तो डिजिटल आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, मेजरमेंट इज ए क्वांटिटी। अब पहला वीडियो जो हमने बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट, उसके अंदर हमने बताया था कि मेजरमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी को किससे कंपेयर करते हैं, किसी नोन क्वांटिटी से कंपेरिजन करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो हम लोग, अच्छा, अननोन जो क्वांटिटी होगा वो आपका सेम स्टैंडर्ड के अंदर प्रीफर किया जाएगा जो कि नोन क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, मान के चलिए हम वेट मेज़र कर रहे हैं, तो वेट मेज़र कर रहे हैं, अपने बॉडी का वेट मेज़र करना, तो स्टैंडर्ड क्या होगा, केजी होगा। ऐसा नहीं कि आप वेट मेज़र कर रहे हैं और लंबाई स्टैंडर्ड लिए हैं, यानी स्केल से आप वेट को मेज़र नहीं कर सकते, स्केल से जब भी मेज़र होगा लेंथ मेज़र होगा। तो स्टैंडर्ड क्या है, और उसी सेम स्टैंडर्ड का जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को मेज़र करना है, दोनों का जो क्वांटिटी होगा, यानी दोनों का प्रकार होगा, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर स्टैंडर्ड लिए हुए आप लीटर के अंदर, आप मेज़र कर रहे हैं केजी के अंदर, वेट मेज़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जब भी आप मेज़र करेंगे तो सेम काइंड के
क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, तो सेम काइंड के क्वांटिटी को जब कंपेयर किया जाता है अननोन क्वांटिटी को नोन के साथ या स्टैंडर्ड के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन में दिया है कंपेरिजन इट विल एनी अदर क्वांटिटी, गलत बात है। कंपेरिजन विथ इट विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, देखिए ये सही, कंपेरिजन इट विथ स्टैंडर्ड ऑफ सम अदर क्वांटिटी, अलग कैसे हो जाएगा, अदर कैसे हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, यानी सेम काइंड सेम प्रकार के क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज आर, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो आपको हम स्टार्टिंग के अंदर ही बताया, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, और बाकी जितना हम लोग यूज करते हैं उसको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का तीन टाइप होता है, एक इंडिकेटिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और तीसरा इंटीग्रेटिंग होता है। तो यहां पर लेबोरेटरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूज इन इंस्ट्रूमेंट टू, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग किस लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कंट्रोल के लिए, मेक पॉइंटर टू स्टॉप इमीडिएटली यानी तुरंत रोक देने के लिए, बीइंग पॉइंटर बैक टू जीरो, जीरो पोजीशन पर वापस लाने के लिए पॉइंटर को, यानी इस तरह के इसके लिए जीरो पर वापस लाने के लिए यूज़ करते हैं, या किस लिए करते हैं, डिफ्लेक्ट द पॉइंटर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर, यानी जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार क्या हो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करे, तो हम लोग किसके लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो, जितना करंट है, जितना वोल्टेज है, जितना पावर है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो, अपनी जगह से हटे और रीडिंग को बताए, तो हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल के अंदर क्वांटिटी ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, डिफ्लेक्ट द पॉइंटर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल के अंदर पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, पॉइंटर अपनी जगह से हटेगा, यही काम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। कंट्रोलिंग का काम होता है जीरो पोजीशन पर लाना, और डैम्पिंग का काम होता है ए ऑक्सीलेशन को ख़त्म करना, एक जगह पर स्थिर करना। तो 11 नंबर का आंसर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट इज डेवलप बाय, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग किस माध्यम के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एयर फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, फ्लूड है, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया हम लोग, हमने बताया कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो अलग अलग मेथड से, जैसे आपका हीट के द्वारा हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त करते हैं, इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त करते हैं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये सब मेथड है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा ऑप्शन जो है किसके लिए, डैम्पिंग के लिए यूज़ होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए, ग्रेविटी भी आपका डैम्पिंग है, ये तो कंट्रोलिंग के लिए हो गया, और फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए, तो इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है जो कि डिफ्लेक्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द दिस, नेम लिखा हुआ गलत है, वो नन ऑफ दिस, यानी ऊपर में किसी भी ऑप्शन के अंदर सही नहीं है, इसमें तीनों मेथड में से किसी के द्वारा हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि हम लोग एयर फ्रिक्शन के द्वारा डैम्पिंग, फ्लूड फ्रिक्शन के द्वारा डैम्पिंग, और ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द स्प्रिंग कंट्रोल, अब दो तरह का कंट्रोल आपको हमने बताया, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल होता है, तो याद रखिएगा हमेशा स्प्रिंग कंट्रोल जब रहेगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, यानी जितना आपका डिफ्लेक्शन यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जितना ज़्यादा होगा थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो और आपका इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर क्या होता है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो बात आपको याद रखना है कि अगर स्प्रिंग कंट्रोल होगा तो यहाँ पर आईसी लिखा हुआ, इसको टीसी कर दीजिएगा, यानी कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कर दीजिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, किस केस में,
यूजिंग स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे हैं तो टी डी और टी सी दोनों इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो आप टी सी भी बोल सकते हैं, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा थीटा के स्प्रिंग कंट्रोल में। और अगर आपका क्या होगा ग्रेविटी कंट्रोल होगा तो उसमें प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ग्रेविटी कंट्रोल में किसके प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर स्प्रिंग कंट्रोल होता है तो जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और अगर ग्रेविटी कंट्रोल रहेगा तो वहाँ पर साइन थीटा होने की वजह से जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए, तो डैम्प अंडर डैम्प होना चाहिए, क्रिटिकल डैम्प होना चाहिए, अनडैम्प यानी कोई डैम्पिंग नहीं, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प क्या होना चाहिए। तो अब डैम्पिंग क्या है इसको समझिए, तो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि हमने आपको बताया कि पॉइंटर में हम लोग क्या करते हैं, एक टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है जो कि पॉइंटर को मूव कराता है राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन, और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क काम करता है जो कि पॉइंटर को जीरो की तरफ लाना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पॉइंटर वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमको रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, यानी पॉइंटर ऑक्सीलेट करता रहता है। तो हम अलग से एक टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। तो ये जो डैम्पिंग है इस डैम्पिंग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक डैम्पिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर डैम्पिंग यानी बहुत ज़्यादा डैम्पिंग दे दिया, ठीक है। दूसरा जो डैम्पिंग है ये अंडर डैम्प, और तीसरा होता है क्रिटिकल डैम्प। ये समझिए तीनों चीज़ क्या हुआ, यानी डैम्पिंग आप दिए, आप क्या चाह रहे थे पॉइंटर क्या हो एक जगह पर स्थिर हो, तो इतना ज़्यादा भी स्थिर नहीं कर देना है कि यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप लगा दे रहे हैं तब भी ये पॉइंटर मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर इतना ज़्यादा आप यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क लगा दिया कि डिफ्लेक्शन आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ओवर डैम्प बोला जाएगा, यानी आपने डैम्पिंग ज़्यादा कर दिया ज़रूरत से। कोई भी चीज़ ओवर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो डैम्पिंग तो देना है लेकिन ओवर डैम्प नहीं कर देना है। अगर ओवर डैम्प कर दीजिएगा तो इधर से डिफ्लेक्शन आप लगाइएगा, यानी मैग्नेट है चाहे इंडक्शन किसी भी इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। तो ओवर डैम्प नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप डैम्पिंग तो दे रहे हैं लेकिन बहुत कम दे रहे हैं, बहुत माइनर फोर्स फ्रिक्शन वाला डैम्पिंग वाला लगाए, या डिफ्लेक्शन ज़्यादा है या कंट्रोलिंग ज़्यादा है, तो वाइब्रेशन तब भी आपका वाइब्रेट होने लगेगा पॉइंटर, यदि आपका डैम्पिंग फोर्स कम रहेगा तब, तो उसको क्या बोला जाएगा, अंडर डैम्प बोला जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, ना ओवर डैम्प चाहिए और ना ही क्या चाहिए, अंडर डैम्प चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, दोनों के बीच में, ओवर और अंडर डैम्प के बीच में चाहिए, केवल क्या हो पॉइंटर आपका स्थिर रहे। तो इसी डैम्पिंग को क्या बोलते हैं, बीच वाला जो डैम्पिंग होता है इसी को हम लोग क्रिटिकल डैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम्प मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर आपका स्थिर रहे और डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग को बैलेंस करने का काम करे, तो इस तरह के डैम्पिंग को क्रिटिकल डैम्पिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड हैव क्रिटिकल डैम्पिंग। इसको एक और एग्जांपल से मान के चलिए, आप साइकिल चला रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड से भी साइकिल चलाइएगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा गर्दा पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पसीना ज़्यादा चलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड से भी साइकिल नहीं चलाइएगा, ठीक है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा स्लो भी चलाइएगा तो घर नहीं पहुंच पाइएगा, जहां आधा घंटा का रास्ता है वहां दो घंटा लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक औसत स्पीड से चलाइएगा ताकि आप बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगे और आप आराम से अपने घर भी पहुंच जाए। तो बीच का जो रास्ता होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग, यानी कि आपका स्पीड एवरेज स्पीड से आपको चलना है, ना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो से चलना है। तो बीच का जो एवरेज स्पीड होगा उसी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ इसेंशियली, कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो डिफ्लेक्टिंग भी लगता है, कंट्रोलिंग भी है, डैम्पिंग है, तीनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप अच्छे से अगर समझ के कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा और समय दीजिए, अगर आप ये सारा चीज़ समझ जाएंगे तो आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और यहाँ तक कि कंपटीशन के अंदर भी आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको
आपको बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टेड टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे आपका गैल्विनोमीटर होता है, ये नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो पॉइंट पर रहता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो और बाकी जैसे आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर, ये सब क्या डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिफ्लेक्टेड टाइप इंस्ट्रूमेंट में नल के अंदर क्या प्रीफरेंस है, क्या बेनिफिट होता है। तो जो नल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी माइनर से माइनर करेंट रहेगा तो ये आपका अच्छे से इसको डिटेक्ट करेगा, थोड़ा सा ये भी होगा तो ये डिटेक्ट करेगा, पॉइंटर इसका मूव करता है, और जब ज़ीरो रहेगा तो नल शो करेगा। तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन बहुत स्मॉलर रेटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर ये वाला नल टाइप इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का ए। जैसे गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा डिफ्लेक्टिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेयरली कॉन्फिंड विद द लेबोरेटरी एज ए स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपका लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इस पर तो बहुत सारा हम लोग MCQ डिस्कस कर चुके हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो यूज़ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, बाकी जो नॉर्मल यूज़ होता है उसको हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 18 नंबर के अंदर, डैम्पिंग टॉर्क शुड ऑपरेट ओनली व्हेन मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप कमेंट करके हमको बताइएगा क्या होगा, कहीं क्योंकि कहीं कहीं पर साइट में हमने सर्च किया तो इसका आंसर ए होता है और बुक के अंदर आपका सी दिया हुआ है, तो दोनों के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसको आप सर्च करके क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट के अंदर बताइए कौन सा होगा, बी और सी नहीं होगा। यानी डैम्पिंग टॉर्क पूछ रहा है, डैम्पिंग टॉर्क शुड ऑपरेट ओनली, डैम्पिंग टॉर्क कब काम करना चाहिए, तो स्टेशनरी रहेगा तब काम करेगा, नहीं जब मूवमेंट होगा तब काम करेगा, जस्ट स्टार्टिंग टू मूव यानी शुरुआत करने के लिए नहीं, जब पॉइंटर आपका वाइब्रेट करता है तब आपका डैम्पिंग टॉर्क ऑपरेट होता है। तो एक्चुअली मूविंग भी हो सकते हैं और नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन पर भी वाइब्रेट करता है और मूव करेगा तो भी होगा, तो ए और सी में से आंसर होगा। तो इसको आप सर्च करके कंफर्म करके कमेंट के अंदर हमको बताइएगा और हम भी दूसरे बुक के अंदर इसको सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा जा रहा है, एसेंशियल फीचर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या ज़रूरत होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है पॉइंटर कोई भी, तो हमको क्या क्या चाहिए, डिफ्लेक्टिंग भी चाहिए, कंट्रोलिंग भी चाहिए और हम लोगों को डैम्पिंग भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, हमको डैम्पिंग भी चाहिए, रीस्टोरिंग यहाँ पर लिखा गया, रीस्टोरिंग का दूसरा नाम कंट्रोलिंग टॉर्क, तो हमको डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग, सॉरी रीस्टोरिंग मतलब यहाँ पर डैम्पिंग हो गया, तो डैम्पिंग टॉर्क हो गया और डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा नाम रीस्टोरिंग, तो हमको कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग और डैम्पिंग तीनों टॉर्क चाहिए, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 नंबर में, प्रिवेंट द ऑक्सीलेशन ऑफ मूविंग सिस्टम एनेबल द लेटर टू रीच इट फाइनल पोजिशन क्विकली, यानी हमारा ऑक्सीलेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो बार बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग के द्वारा ऑक्सीलेशन हटाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक्यूरेसी इज डिफाइन, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट यानी ईरर फ्री मेजरमेंट, तो यहाँ पर लिखा गया मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, दूसरा लिखा गया स्मॉलेस्ट मेजर में इनपुट चेंजेस यानी छोटा से छोटा इनपुट को चेंज कर दे, तो ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज जो होता है वो सेंसिटिविटी के अंदर आता है, रेशियो ऑफ चेंज इनपुट सिग्नल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इनपुट, यानी इनपुट चेंज करें तो आउटपुट चेंज हो माइनर से माइनर, तो ये सेंसिटिविटी का डिफिनेशन होता है। एक्यूरेसी का क्या होगा, तो क्लोजनेस विथ ईच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर, यानी जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के नज़दीक आपका मेजरमेंट हो रहा है, ट्रू वैल्यू 5 एम्पेयर था और आपका 4.2
99 मेज़र हो रहा। तो जितना ज़्यादा आप नज़दीक मेज़र कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से, उतना क्या आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है, या बोल सकते हैं ईरर फ्री मेज़रमेंट है। तो एक्यूरेसी का मतलब रीडिंग जो होगा वो एक्चुअल जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना नज़दीक होगा उतना एक्यूरेसी हाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव ऑफ इट टॉर्क बाई वेट रेशियो इज। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मोर सेंसिटिव हो कब होगा, जब टॉर्क बाई वेट जो रेशियो है वो क्या होगा, लेस देन यूनिटी या इक्वल टू यूनिटी, मोर देन यूनिटी या मिड डिफ्लेक्शन डिपेंडेंट। तो जब हमारा टॉर्क वेट की तुलना में टॉर्क ज़्यादा लगेगा इसका मतलब कि वो क्या है, सेंसिटिव ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो जब वेट की तुलना में टॉर्क ज़्यादा होगा, टॉर्क मान के चलिए 5 है और वेट 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट 1 से ज़्यादा आएगा, इसका आंसर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब टॉर्क की वैल्यू वेट की तुलना में ज़्यादा होगा तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस, कौन सा मटेरियल शुड डिवाइस यानी स्प्रिंग कंट्रोल के लिए, जिस स्प्रिंग को हम लोग यूज़ करेंगे उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। द स्प्रिंग मटेरियल यूज इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशियंट यानी टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नॉन सब्जेक्टेड टू फैटगू कहते हैं ख़राब हो जाने को, या उसके प्रॉपर्टी के अंदर कमी आ जाने को। तो अगर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या चाहेंगे, उसकी कमी नहीं आए, तो ये सारा हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं होना चाहिए, एज के हिसाब से उसका ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव प्रॉपर्टी हमको चाहिए किसी स्प्रिंग के अंदर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर फास्फोरस ब्रोंज। बहुत आसान सा है, बार बार पूछा जाता है, फास्फोरस ब्रोंज का हम लोग मटेरियल बनाते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आपका इंटीग्रेटिंग है। तो एनर्जी मीटर पहले से आपको मालूम है, करेक्ट आंसर बी होगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।